वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के फिनाले से पहले अंकित गुप्ता ने क्यों बताए अपने पहले और सबसे ज्यादा जिन पर उन्हें भरोसा है टॉप 3 कॉन्टेस्टेंट। जी हाँ, हाल ही में अंकित गुप्ता का एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने कई सारे सवालों के जवाब दिए, जिनमें से सबसे अहम सवाल था कि अब फिनाले कुछ ही हफ्तों की दूरी पर है, ऐसे में कौन है वो टॉप 3 अंकित गुप्ता के अकॉर्डिंग जिन्हें फिनाले में होना चाहिए। ऐसे में बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे भरोसे के साथ अंकित गुप्ता ने अपने टॉप 3 कॉन्टेस्टेंट्स के नाम बताए हैं। वेल, कौन कौन शामिल होते हैं टॉप 3 में, बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर से बाहर आए अंकित गुप्ता आज भी फैंस के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाने वाले कॉन्टेस्टेंट्स में से एक हैं। हालांकि फैंस इस उम्मीद में थे कि शायद बिग बॉस के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू अंकित वापस आ जाए, लेकिन जब अंकित के न्यू सीरियल का पोस्टर और प्रोमो रिलीज हुआ तो फैंस को ये बात माननी पड़ी कि अब अंकित वापस नहीं आएंगे, अब वो काम पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग बिग बॉस के फिनाले के टॉप 3 कॉन्टेस्टेंट्स कौन कौन से होंगे। ऐसे में अंकित ने कहा कि टॉप 3 तो चाहे जो हो, लेकिन मैं बिग बॉस के 2 फाइनलिस्ट तो अभी से ही कंफर्म बता सकता हूँ, जिसमें से पहला नाम उन्होंने अपनी सबसे प्यारी दोस्त प्रियंका चाहर चौधरी का लिया, तो वहीं दूसरा नाम लिया उन्होंने शिव ठाकरे का। अंकित का कहना था कि ये दोनों हर मायने में घर के अंदर सबसे डिजर्विंग फाइनलिस्ट है और तीसरा कोई भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिनाले तो इन 2 के बीच में ही होगा। दोस्तों, अंकित की इस बात से आप कितना अग्री करते हैं, हमें अपने व्यूज कमेंट करके आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।